जी की न्यूज पॉइंट लाइव के साथ जुड़ चुके हैं आप, मैं हूं प्रियंका गुप्ता, आपके साथ बात करेंगे। जिस तरह से आज 16 अगस्त है और 16 अगस्त से जम्मू कश्मीर की तमाम रिलीजियस प्लेसेस खुलने के आदेश जारी किए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वहीं अगर हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में क्या सूरत हाल है रिलीजियस प्लेसेस खुलने को लेकर, और जिस तरह से कल मार्केट भी श्रीनगर में रीओपन होने वाली है उसको लेकर क्या जानकारी है, जानेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हिलाल हंजूरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिलाल, रिलीजियस प्लेसेस को लेके सबसे पहले बात करेंगे कि आज जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए थे, क्या सूरते हाल कश्मीर में देखने को मिल रहा है? देखिए प्रियंका, जैसा कि सुबाई कमिश्नर ने पहले से ऐलान किया था या सुबाई इंतजामी ने ऐलान किया था कि रिलीजियस प्लेसेस जो हैं वो अब रीओपन हो जाएंगी और वहां पर चाहे जिस धर्म से भी लोग वाबस्तगी रखते होंगे वो अपनी इबादत जो है वहां पर अंजाम दे सकते हैं। और इस हवाले से ये सिलसिला अब कश्मीर के अंदर शुरू हो चुका है और बेशतर मस्जिद में जो नमाजें हैं वो बाजमात अदा की गई हैं। हिंदू के जो टेम्पल्स हैं या गिरजाघर है या उसके साथ साथ जो सिखों के इबादतगाह हैं वहां पर ये सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ मस्जिद अगर हम सैयद याकूब साहब सोनवार की बात करते हैं वो अभी भी बंद है, क्योंकि हम उसी मस्जिद से अभी होके आए हैं तो उस पर अभी भी ये जो है लोगों को इजाजत नहीं दी जा रही है अंदर आने की, उसकी वजूहत क्या है वो अभी तक जो है मालूम नहीं हो सकी है। लेकिन जहां तक मार्केट्स का ताल्लुक है, मार्केट तो अब कल से शुरू होने जा रहे हैं और खासतौर पर शहर श्रीनगर के अंदर और बाकी इलाकों में, अगर के डिस्ट्रिक्ट जो है अपने लेवल पे इस तरह के डिस्टेंस देते हैं और बारामूला के साथ साथ बाकी अजला में भी इस तरह के डिस्टेंस मार्केट रोपन को हवाले से लिए गए हैं, लेकिन शहर श्रीनगर के अंदर कल 50% जो शॉप्स हैं वो खुल जाएंगे और उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट है वो भी 50% पैसेंजर्स के साथ साथ जो मिनी बस है और उसके साथ साथ 4 पैसेंजर जो मैक्सी कैब्स है वहां पर रहेंगी, जबकि 2 पैसेंजर्स इन टैक्सी कैब्स जो होते हैं या ऑटो रिक्शा होते हैं वहां पर इसी हिसाब से चलते रहेंगे। 50% कंटेनमेंट जो है वो सवारियों में होगी और शॉप फॉलो करे और उसका उल्लंघन ना हो। देखिए प्रियंका, इसमें जो इंतजाम करना है वो पब्लिक ने करना है जी, गवर्नमेंट के डोमेन में है नहीं कि हर कोई चीज को आप एनफोर्स करें, थोड़ा सा लोगों को भी अब एक सिविलाइज्ड या जिम्मेदार शहर की तरह अपने आप को पेश करना होगा। और इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि आपने 3 चीजों पर अमल करना बहुत जरूरी है, जिसे डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने भी आज कहा है। इसमें एक कि मास्क का इस्तेमाल कंपलसरी है, मास्क के बगैर कोई अलाउ नहीं है, तो इस पर हर किसी को अपने आप ने सोचना होगा। नंबर 2 कि आप जो फिजिकल डिस्टेंस है वो रखना है ताकि आप वायरस से बचे, आप तंदुरुस्त रहे। तीसरा कि आप हाइजीन मेंटेन करें, ये तो मजहब की भी तालीमात है कि जब इस तरह का कोई पैंडेमिक होगा तो उससे कैसे आप बचेंगे, तो आपने ये चीजें मेंटेन करनी है। जो सरकार वक्त की होगी या एडमिनिस्ट्रेशन वक्त की होगी उनके डायरेक्टिव को मानना है, उनकी एडवाइजरी को मानना है, उनकी एसओपी को तस्लीम करना है, तब जाकर एक सोसाइटी को पाक साफ रख सकते हैं, तब जाकर एक सोसाइटी एक स्टेट को सेहतमंद समाज के तौर पर हम देख सकते हैं। इस वजह से जो सारा जो कुछ करना है वो पब्लिक ने करना है और ये ऐसा जो ऐसे तदाबीर है इनका अमल ना कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल आसान है, लेकिन एक जरूरत हमें दिखाना है और एक जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिलाल हंजूरी हमारे सीनियर साथी कश्मीर से सीधा जुड़े हुए थे, तमाम अपडेट्स दे रहे थे। जिस तरह से आज जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगह रिलीजियस प्लेसेस रीओपन कर दी गई हैं, मार्केट श्रीनगर में कल से रीओपन होगी, जनता को समझने की जरूरत है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी श्रीनगर में कल से रिज्यूम होने वाला है, तो वहीं दूसरी ओर हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि तमाम एसओपीज को हम फॉलो करें, मास्क पहनना जिस तरह से अनिवार्य है, कहीं पर भी आप बाहर जाएं ताकि चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाएं या फिर बाजारों में जाएं, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। और वहीं मैं आपको बता दूं, जम्मू की बात करें, तमाम एसओपीज के साथ आज रिलीजियस प्लेसेस जम्मू में भी खुल चुकी हैं और बेसब्री से इंतजार था। माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो भी शुरू हो चुकी है आज से, और जिस तरह से दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग 2000 लोग वहां पर जा सकते हैं, जो 100 यात्री बाहर से आएंगे जम्मू कश्मीर के बाहर से, और 1900 लोग जम्मू कश्मीर का जो है वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा पाएगा। तो वहीं पर जिस तरह से अब उनकी सैंपलिंग रैपिड सैंपलिंग होगी, जो 100 लोग जम्मू कश्मीर के बाहर से यात्री आएंगे उनकी रैपिड टेस्टिंग होगी, रैपिड उनकी सैंपल लिए जाएंगे और आधे घंटे में उनकी रिपोर्ट्स भी आ जाएगी। अब उनके चाहे वो बाय एयर आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे उनकी सैंपलिंग होगी, हेलीपैड से जा रहे हैं वहां पर उनकी सैंपलिंग होगी, या फिर उनकी जो लखनपुर में और कटरा में है जो उनकी सैंपलिंग ली जाएगी, जो बेहद ही अनिवार्य है।
है, तो जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट आएगी उन्हीं को यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी। अब सवाल यहां पर यह है कि 100 लोग बाहर से आ रहे हैं, अब कटरा के जो कारोबारी हैं या होटल इंडस्ट्री है, ऑलरेडी वो बहुत निराश नजर आ रहे थे, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो रहा था क्योंकि 5 महीनों से ज्यादा हो चुके थे सब तमाम रिलीजियस प्लेसेस बंद हुए हुए, और उसके बाद जिस तरह से अब केवल 100 यात्रियों को इजाजत दी गई है जम्मू कश्मीर के बाहर से आने की, और किस तरह से उनका कारोबार चलेगा जब सिर्फ 100 लोग बाहर से आ सकेंगे और जम्मू कश्मीर से 1,900 लोगों को इजाजत दी गई है, तो ऐसे में 5 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, उनका कारोबार पूरी तरह से ठप है और वो भी काफी ज्यादा निराश नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से आज माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हुई है, सारे देशवासियों को बेसब्री से इंतजार था कि कब माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो और वो वहां जाके दर्शन करेंगे। तो हमारी भी यही मैसेज रहेगा, जम्मू हो, कश्मीर हो, रिलीजियस प्लेसेस हो, मार्केट्स हो, या कहीं पर भी आप जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वहां पर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, मास्क पहने, हाइजीन का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपना अपनों का खास ख्याल रखें। दीजिए इजाजत, देखते रहे जेके न्यूज़ पॉइंट।